चौमू ग्राम पंचायत खेजरोल स्थित कुमारों के मोहल्ले में पिछले 3 दिन से पेयजल की किल्लत को लेकर शनिवार को ग्रामीणों ने भाजपा नेता महेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से, जिसमें से कुमारों का मोहल्ला, सेन मोहल्ला, अग्रवाल मोहल्ला, मुख्य बाजार खटीको का मोहल्ला, देवनगरी आदि जगह पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही। इन मोहल्लों में लगभग 400 नल कनेक्शन है जिसमें पानी की सप्लाई नहीं हो रही। कस्बे के कुमारों के मोहल्ले में पानी की टंकी सूखी पड़ी है। ग्राम में 3 पानी की बड़ी टंकी है जिसमें 2 टंकियों में पानी की सप्लाई हो रही है। एक टंकी की मोटर खराब होने की वजह से पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही। ग्रामीण अशोक प्रजापति, सूरज मल, बजरंग मीणा, माता दीन सेन ने बताया, पिछले 3 दिनों से पानी की मोटर खराब होने से नलों में पानी नहीं आ रहा। इसके कारण पानी के टैंकर मांगने पड़ रहे हैं। टैंकर वाले अपनी मनमानी से पैसे वसूल रहे हैं। इन दिनों में पहले भी पानी की पर्याप्त जलपूर्ति नहीं हो पा रही थी। स्थानीय जलदाय विभाग कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों पर डाल देते हैं। पंचायत में पानी की अर्थव्यवस्था ऐसी हो रही है कि बूंद पानी भी नहीं आ रहा है नलों में। पानी की सप्लाई के लिए तरह तरह से बाल्टी डब्बे लेकर चारों तरफ लोग पानी के लिए जा रहे हैं। अधिकारियों को कई बार सूचना दे दी कि मोटर जल गई तो बंधवाएंगे ये कह के, और कोई व्यवस्था हो नहीं रही है। और 3 दिन से परेशान लोग हो रहे हैं। काफ़ी परेशानी होने के बावजूद भी लोग हमारी कोई आगे समस्या सुनने के लिए तैयार